आज हम करेंगे पाठ मेरे बचपन के दिन के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप ये पाठ पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आज आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपने अभी तक इस पाठ को नहीं पढ़ा तो इस पाठ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। हजारों लोग देख चुके हैं, आप भी देख सकते हैं। इस पाठ का जो लिंक मिलेगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर, नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से आपका लिंक मिलेगा जिसमें आपको ये पाठ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप इस पाठ को ऑलरेडी पढ़ चुके हो, समझ चुके हो, तो आ देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखो, मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी, मेरे बचपन के दिन पाठ किसने लिखा था ये आपको बताना है। लेकिन बच्चों, हर क्वेश्चन के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट कर देना ना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। मेरे बचपन के दिन पाठ की रचना की थी किसने? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी जाबिर हुसैन। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्ष कोई लड़की नहीं थी? महादेवी वर्मा के परिवार में लगभग कितने वर्षों से कोई लड़की नहीं थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए 25 वर्ष से, ऑप्शन बी 50 वर्ष से, ऑप्शन सी 100 वर्ष से, ऑप्शन डी 200 वर्ष से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी 200 वर्षों से। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की कुलदेवी थी, कुलदेवी कौन थी महादेवी वर्मा की, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए लक्ष्मी, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी दुर्गा, ऑप्शन डी पार्वती। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी दुर्गा। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की मां कहां से आई थी? महादेवी वर्मा की मां कहां से आई थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए कानपुर, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी होशियारपुर। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी जबलपुर से। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छात्रावास के हर कमरे में कितनी लड़कियां रहती थी? छात्रावास के हर कमरे में कितनी लड़कियां रहती थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए 2, B 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। 5, 4, 3, 2, 1, 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं किस पत्रिका में छपती थी? महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं किस पत्रिका में छपती थी आपको बताना है। आपके ऑप्शन ए स्त्रीयुग, ऑप्शन बी स्त्री विचार, ऑप्शन सी स्त्री दर्पण, ऑप्शन डी स्त्री काल। 5, 4, 3, 2, 1। जीरो सही उत्तर है ऑप्शन सी स्त्री दर्पण। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को कवि सम्मेलनों में लगभग कितने पदक प्राप्त हुए थे? महादेवी वर्मा को कवि सम्मेलनों में लगभग कितने पदक प्राप्त हुए थे आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 75, ऑप्शन डी 100। 5, 4, 3, 2, 1। 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी 100 से भी ज्यादा हुए थे, खैर 100 ही ऑप्शन था। चलिए, महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने लिया था? बच्चों, कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। महादेवी वर्मा से चांदी का कटोरा किसने ले लिया था आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए नेहरू जी, ऑप्शन बी गांधी जी, ऑप्शन सी पटेल जी, ऑप्शन डी तिलक जी। 5, 4, 3, 2, 1। 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी गांधी जी। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मराठी लड़की जेबुनिसा कहां से आकर महादेवी वर्मा के साथ रही थी? मराठी लड़की जेबुनिसा कहां से आकर महादेवी वर्मा के साथ रही थी आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी पीतमपुर, ऑप्शन सी कोल्हापुर, ऑप्शन डी जामपुर। 5, 4, 3, 2, 1। 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी कोल्हापुर से। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। मनमोहन को नाम दिया था, मनमोहन को किसने नाम दिया था? ऑप्शन ए ताई ने, ऑप्शन बी मां ने, ऑप्शन सी पिता ने, ऑप्शन डी बहन ने। 5, 4, 3, 2, 1। 0 सही उत्तर है ऑप्शन
ए ताई ने। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया? लेखिका की माँ ने सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना सिखाया? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए गीता, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी पंचतंत्र, ऑप्शन डी महाभारत। 5, 4, 3, 2, 1, 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचतंत्र। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। लेखिका को उर्दू फारसी सिखाने के लिए कौन आए? लेखिका को उर्दू फारसी सिखाने के लिए कौन आए थे? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए पादरी, ऑप्शन बी मौलवी, ऑप्शन सी पंडित, ऑप्शन डी गुरु। 5, 4, 3, 2, 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलवी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेखिका की माँ किसके पद गाया करती थी? लेखिका की माँ किसके पद गाती थी? जल्दी से ऑप्शन में से देखकर बताइए। ऑप्शन ए सूरदास के, ऑप्शन बी तुलसीदास के, ऑप्शन सी रस खान के, ऑप्शन डी मीरा के। 5, 4, 3, 2, 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी मीरा के। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। लेखिका के घर के पास कहां के नवाब रहते थे? लेखिका के घर के पास कहां के नवाब रहते थे? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी अवध, ऑप्शन डी जवारा। 5, 4, 3, 2, 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी जवारा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लेखिका को कविता पाठ में क्या मिला था? लेखिका को कविता पाठ में क्या मिला था? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए सोने का कटोरा, ऑप्शन बी पीतल का कटोरा, ऑप्शन सी चांदी का कटोरा, ऑप्शन डी स्टील का कटोरा। 5, 4, 3, 2, 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी चांदी का कटोरा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। जेबुनिसा कौन सी भाषा बोलती थी? जेबुनिसा कौन सी भाषा बोलती थी? आपके ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी मराठी, ऑप्शन डी अवधी। 5, 4, 3, 2, 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी मराठी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का क्या नाम था? बच्चों इसी तरह से अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी आपको चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। उस लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा। कुछ इस तरीके से जैसा आप देख रहे हैं आपको अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे। चलिए जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का क्या नाम था? पाठ के अनुसार जवाब देना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी मनमोहन वर्मा, ऑप्शन सी महादेव वर्मा, ऑप्शन डी मोहन वर्मा। 5, 4, 3, 2, 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी मनमोहन वर्मा। ये लेखिका के भाई थे। तो बच्चों ये आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आप इसी चैप्टर का रिटन टेस्ट भी देना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिलेगा। लिंक का नाम वही फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इसी नाम से कुछ इस तरीके से रिटन टेस्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी पार्ट का रिटन टेस्ट भी आप जरूर देना। और अगर आपको मुझसे बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।